नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। देखिए, अखिलेश यादव की बात करेंगे, उनके सौतेले भाई प्रतीक यादव की बात करेंगे, अपर्णा यादव के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ डिम्पल और चाचा शिवपाल के बारे में बात करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम आज के इस रिपोर्ट में यादव परिवार के बारे में करेंगे। गोला गोकर्णनाथ सीट पर हार के बाद अब अखिलेश यादव ने अपनी कमर कस ली है मैनपुरी जीतने के लिए, क्योंकि गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी दावा किया जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि उन्हीं की जीत होगी, लेकिन एक बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वहां पर जीत दर्ज कराई है। अब सभी की नज़रें बनी हुई है मैनपुरी सीट को लेकर कि आखिरकार मैनपुरी सीट पर क्या होता है। क्या यादव कुनबा एक साथ आएगा? क्या चाचा शिवपाल जो नाराज़ चल रहे हैं, उन चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद कहीं ना कहीं वो यहाँ पर ठीक देखने को मिलेंगे? ये कई ऐसी चुनौतियाँ हैं जो अखिलेश यादव के सामने हैं। बताती चलूं कि अखिलेश यादव के सौतेले भाई यानी कि प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव, डिम्पल यादव को समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट से यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर दिया है, लेकिन सभी की नज़रें बनी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी किसे घोषित करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव पर अपना दाव नहीं लगाया, रघुराज शाक्य पर अपना दाव लगाया। आपको हम बताते चले कि प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव और अब अपर्णा यादव यानी कि पिछले साल ही भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। बड़ा सवाल अब लगातार यही उठ रहा है कि क्या प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा यादव के साथ मिलकर बैठकर कोई बातें कर सकते हैं समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर, क्योंकि लगातार अब सभी की नज़रें इसी पर बनी हुई है कि क्या प्रतीक यादव अपने भाई अखिलेश यादव का साथ देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने तमाम चुनौतियाँ हैं। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए कि क्या आने वाले वक्त में अखिलेश यादव अपने सौतेले भाई प्रतीक यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं? ये बड़ा सवाल। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही।